पंखा चलाया, कूलर चलाया, फैक्ट्री में खूब जम के बिजली लगाई आपने, रोटी पानी जो कुछ तुम करते हो, मैं कुछ भी नहीं कह रहा हूं, बस एक धर्मशाला में तुम गए, पूरी रात तुमने एसी चलाया, पंखा चलाया, लाइट चलाई, कोई तुम्हें महापापी कहने का अधिकारी नहीं, कोई जिनवानी तुम्हें महापापी कहने का अधिकारी नहीं। जब कमरे से बाहर निकले तो उसको चालू क्यों छोड़ दिया, इतना सब बताना। मैं ज्यादा गड़बड़ तो नहीं कर रहा हूं, जब तक तुम हो तब तक कारण बता दो। महाराज इसलिए किया हमने, जिससे हम लौट के आए तो ये ठंडा मिले। मैं सब जानता हूं आपके बहाने में, बहुत अच्छी तरह जानता हूं। बोले महाराज जी मैंने इसलिए छोड़ दिया कि बाद में जब लौट के आऊ ना तो एकदम एसी चालू करना पड़ेगा, पंखा तो थोड़ा क्या होता है उसमें टाइम लगता है, तो इसलिए हमने पहले से कहा जिससे हमारा, चलो माफ है, बहुत दया कर रहा हूं, चलो माफ है, इसलिए तुमने चालू रखा जिससे आते ही मुझे ठंडा कमरा मिले, माफ है। लेकिन जिस कमरे में तुम्हें लौट के नहीं आना उसका छोड़ के क्यों गए ये बता दो मुझे। जब तुम वो कमरा छोड़ के जा रहे हो, अब वो कमरा में घंटे भर आध घंटे तक पंखा चलता रहा, एसी चलता रहा, बल्ब जलता रहा, जाओ ये पाप निधत्त निकाचित होगा, ये पाप नहीं कटेगा तुम्हारे, इस पाप को भोगना पड़ेगा। जो रात भर आपने एसी का आनंद लिया वो पाप तो दो मिनट में चुटकी बजाते ही कट जाएगा, कोई ज्यादा नहीं, वो तो अभिषेक से कट जाएगा, नमकार मंत्र की माला फेर के, वो तो भगवान ही माफ कर देंगे। क्योंकि बेचारा क्या था, ग्रस्त था, यदि एसी नहीं चलाता तो क्या करता, ग्रस्त था बेचारा, वैसे ही माफ, वैसे ही माफ। लेकिन जो वो एक घंटे तुम जो बंद करके छोड़ के आए हो, वो किस लिए, वो किस लिए, वो है, लोग कहते हैं निधत्त निकाचित कर्म कैसे बंद होते, लोग कहते हैं कि निधत्त निकाचित कर्मों का बंद कैसे होता है, सबसे ज्यादा निधत्त निकाचित कर्मों का बंद होता है आपको अनर्थ दंड से, अनर्थ दंड से, जिसका तुम्हारी जिंदगी से कोई लेना देना नहीं है, वो है निधत्त निकाचित। उसको फिर जब उदय में आता है, महाराज क्या मेरी किस्मत है, हमारे घर में कूलर ही नहीं है, पंखा ही नहीं है, महाराज एसी तो हम लगा ही नहीं सकते, कहां हमारी ताकत, ये गरीबी तेरे पास कहां से आ गई, आज तू भी चाह रहा है कि मेरे घर में एसी हो, आज तू भी चाह रहा है कि मेरे घर में कूलर हो, आज क्यों तरस रहे हैं, कितने लोग हैं बोलो, कितने लोग हैं जो अपने घर में एसी नहीं चाहते, बोलो, नहीं चाहने की पूछ रहा हूं, लेकिन कितने लोग नहीं लगा पा रहे, क्यों नहीं लगा पा रहे, पैसा नहीं, कौन बिल भरेगा, कौन, क्यों आई तुम्हारी ऐसी नौबत। महानुभाव जिंदगी का ये रहस्य आज नोट कर लेना, कभी तुम किसी कमरे की धर्मशाला का एसी खुला छोड़ करके चले गए होगे, वो अभी साफ है कि अब तुम्हें जिंदगी भर एसी नहीं मिलेगा, तुम तड़प जाना लगाने के भाव सोच के, नहीं लगा पाओगे, कोई ना कोई विघ्न आएगा, नहीं लगा पाओगे, क्योंकि तुमने कभी एक घंटे कभी धर्मशाला का एसी छोड़ के गए होगे, खुला छोड़ के गए होगे। रात भर की बात नहीं कह रहा हूं, किसकी कह रहा हूं, जिसका एक घंटे किसी ने उपयोग ही नहीं किया और अपन खुला छोड़ गए, तुमने किस लिए खुला छोड़ गए, ये अपने बाप का बिल थोड़ी लग रहा है, यही है ना, अरे अपने बाप का बिल, पैसा तो जितना देना था वो किराया तो मैंने दे दिया, अब क्या ना खुला छोड़ के जाऊं, चाहे कुछ भी करके जाऊं, क्या फर्क पड़ता है। आज सुनो, तुम्हारे गुरु कह रहे हैं, तुम्हारी जिनवाणी माँ कह रही है, तुम्हारा सर्वज्ञ भगवान कह रहा है, सवाल किराए का नहीं है, सवाल किराया तो वो धर्मशाला वाला भोगेगा, लोग होटल वाला भोगेगा, सवाल है जब तू अपनी पूरी जिंदगी भर उस एसी को तरसेगा, वो तो ध्यान रख, मत रख किराए का ध्यान,